हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 का फिफ्थ सैम्पल पेपर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट ने पहले के पेपर सोल्व नहीं किया है, वो हमारी इस चैनल की प्लेलिस्ट एम्स बीएससी नर्सिंग टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर ले। वहाँ पर बाकी जो है वीडियोज़ की लिंक है, मिल जाएगी, वहाँ से वो क्वेश्चन भी आप सोल्व कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट इसको सोल्व कर रहा है, 20 क्वेश्चन इसमें है, देखते हैं 20 में से कितने आप सही कर पाते हो। कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने कितने जो है क्वेश्चन सोल्व किए और कैसा आपका पेपर रहा, क्या हमें आगे भी पेपर बढ़ाना चाहिए, ठीक है, जिससे हम आपका और भी जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम में इधर है, इंग्लिश मीडियम में इधर है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक लंबे वक्त की दारू वाहिका में जल का स्तंभ अपने बाहर से नहीं टूटता, इसका कारण क्या है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट में क्या आंसर आएगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आप इधर से रीड कर लें, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर जो आने वाला है वो आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो फोर्थ आएगा, ठीक है, इसका आंसर फोर्थ आने वाला है। उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। वर्णीलवक मतलब किस क्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, मोमेंट, रेस्पिरेशन, प्रकाश संश्लेषण एंड वर्दी। तो कंफ्यूज यहाँ पे किस किस में होते हैं स्टूडेंट, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या जाने वाला है, सेकंड का आंसर जो जाएगा वो फोटोसिंथेसिस जाएगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण में, ओके। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, स्तनधारी प्राणी में नेत्र की गौथ फोविया दृश्य क्षेत्र का केंद्र है, जहाँ कौन सी पाई जाती है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो थर्ड का चारों ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो थर्ड में कौन सा आंसर जाएगा आपका, थर्ड में जो आंसर जाएगा तो आप इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हाई डेंसिटी ऑफ कॉन्स और बट हैज़ नो रोड्स, ठीक है। तो रोड्स वहाँ पे नहीं पाई जाती है, सिर्फ कॉन्स वहाँ पे पाई जाती है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी ईजी है, सोल्व हो जाएगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़े, ये आपका जो है ओवुलेशन से क्वेश्चन है। औद्योगिक अधिकर्षण का एक उदाहरण है, किसका है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि इसका उत्परिवर्तन का, निकोलिजम्स का, नियोडार्विनिज्म का, प्राकृतिक वरण का। तो ये एनसीईआरटी लाइन है, इजी से सोल्व हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो कौन सा जाएगा, इसका आंसर जाएगा वो, जल्दी से सोल्व कर लीजिए, फोर्थ में जो आंसर जाने वाला है वो फोर्थ मतलब नेचुरल सिलेक्शन आंसर इसका जाएगा, ठीक है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित जैव अणुओं में से किस में फॉस्फोडाइस्टर बंध पाया जाता है। तो यहाँ पे आप चार ऑप्शन यहाँ पे फिर से आपके सामने हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक आप रीड कर सकते हो, इसका आंसर क्या जाएगा, अच्छे से आप ऑप्शन रीड कीजिए, गलत ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ओके। तो फिफ्थ में क्या आंसर जाएगा जल्दी से कहिए, फिफ्थ में जो आंसर आ जाएगा वो सेकंड आंसर जाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियो अम्ल, ओके। तो सेकंड आंसर इसका जाने वाला है। उसके बाद हम सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें, एक ही पर्यावास में रह रहे विभिन्न स्पेसिस, ये आपका इकोलॉजी से है, ठीक है। तो आप अच्छे से सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी कीजिए, यहाँ से आप सिक्स्थ क्वेश्चन को देख सकते हो। तो इसका क्या जाने वाला है आपका, तो यहाँ पे देख पारितंत्र आपका इकोलॉजिकल निकेत, ठीक है। तो ये एग्जाम से पूछा भी गया है, तो इसका आंसर क्या जाने वाला है अच्छे से रीड कर लीजिए। इसका आंसर जो जाएगा सिक्स का जो आंसर जाएगा वो सिक्स का आंसर जाने वाला है आपका, सिक्स का आंसर जाने वाला आपका, जल्दी कीजिए, फोर्थ आंसर इसका जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर जो है इसका बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिक्स्थ आंसर। सेवन्थ आंसर की हम बात करेंगे, सेवन क्वेश्चन है, सुनहरे गोल्डन चावल एक आनुवंशिक रूपांतरित फसल पादप है, इससे निवेशित जीन किसके जैविक संश्लेषण के लिए है। तो यहाँ पे विटामिन के बारे में पूछा गया, तो ये सी को सबको आंसर इसका पता है, ठीक है, विटामिन ए मतलब बी इसका आंसर जाने वाला है। तो सेवन्थ में आपका आंसर जो जाएगा वो बी आंसर जाने वाला है, ठीक है, मतलब सेकंड ऑप्शन जाएगा विटामिन ए, ओके। उसके बाद में हम एट क्वेश्चन की बात करें, आवर्तबीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप में से किसके समक्ष होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन फिर आपके सामने रखे गए हैं, ठीक है। तो अच्छे इंग्लिश मीडियम में इधर से रीड कर ले। तो इसका एट में आंसर जाने वाला है आपका, एट में आंसर जाएगा फोर्थ मतलब कि आपका गुरु बीजाणुधानी। तो यहाँ इंग्लिश मीडियम में आप इधर से देख ले, एट में आंसर जो जाएगा वो जाएगा मेगास्पोरेंजियम, ओके। इसके बाद में हम बात करें नौवे क्वेश्चन की, ये जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। टेलर ने किस जीव का गुणसूत्र प्रति के अर्थ सॉरी ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से
तो यहाँ पे 9th का जो आंसर जाएगा ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो 9th में आपका जो आंसर जाने वाला है वो फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर जाएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करें, उस क्रियाविधि को जिसके द्वारा एक जीव का सहलग्नता समूह से दूसरे सहलग्नता समूह चले जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको सबको आंसर पता है, ये है आपका सेल बायोलॉजी से पूछा पूछा गया क्वेश्चन है। तो 10वें जो आंसर जाएगा वो दो आंसर जाएगा, उसे बोलते हैं जेन्युइन, ठीक है। तो इसका सेकंड आंसर आपका जाने वाला है। उसके बाद हम 11वें क्वेश्चन की बात करें कि 11वें क्वेश्चन में आपका क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका थर्ड आंसर क्रॉसिंग आवर जाएगा, जीन उनमें इसको बोलते हैं हिंदी में, और यहाँ पे क्रॉसिंग आवर थर्ड आंसर इसका है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 11वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित से कौन सा सरसवातक जीन के समान है। तो यहाँ पे आपका फिर चार ऑप्शन रखा गया है, तो अच्छे से ये किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता है तो वो रट ले इसको, ठीक है। तो 11 में जो आंसर जाएगा वो फर्स्ट जाएगा, ठीक है, सिस्ट्रोन। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर आपका जाएगा, ओके। उसके बाद हम 12वें क्वेश्चन की बात करें, एक वास्तविक जीन, मतलब यहाँ पे आपका है एट्रू बिल्डिंग प्लांट इज, एक वास्तविक पादप प्रजनन वह है जो कि, यहाँ पे आपके पास फिर चार ऑप्शन है, तो अच्छे से चार ऑप्शन रीड कर लें। क्या आंसर जाने वाला है 12 में, 12 में जो आपका आंसर जाने वाला है वो सेकंड आंसर आपका जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड आंसर आपका जाएगा। अब हम बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन ए एक्ट हैज स्ट्रक्चरल आर एन ए हैज वेल राइबोसोम इन द बैक्टीरिया। तो यहाँ पे यहाँ से देख सकते हो हिंदी में, जीवाणु के निम्नलिखित में से कौन सा आर एन ए संरचनात्मक आर एन ए का राइबोसोम दोनों की तरह कार्य करता है, तो कौन सा है। यहाँ पे चार ऑप्शन फिर दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो वो याद कर ले, ओके। तो 13 नंबर के जो ऑप्शन है उसमें जो आंसर जाएगा, 13 नंबर के में जाएगा आपका दो आंसर जाने वाला है, ठीक है। तो 5.8 sRNA, ओके। तो 13 में ऑप्शन जाएगा आपका दो आंसर, सॉरी 23 आरएनए, दो आंसर आपका जाने वाला, 23 में आपका जाएगा, सॉरी 13 में आपका सेकंड आंसर जाएगा 23 sRNA, ओके, क्लियर। उसके बाद हम 14 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 14 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। विडोलिक टैंक जैव रिएक्टर किसके लिए भी क्लिप्तित किए गए हैं, थोड़ा सा हिंदी वीक है, ओके, यहाँ इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए। तो चार ऑप्शन आपके पास फिर से रखे गए हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा 14 में आपका आंसर जाने वाला है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 14 में जो आंसर जाएगा आपका, 14 में आपका दो आंसर जाने वाला है, मतलब आपका सेकंड आंसर, सारी प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ये आपका जाएगा। अब हम बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की, सहवनी एदा सामान्यतः क्या बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके पास फिर रखे गए हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एनाटोमी से है, प्लांट एनाटोमी से। तो 14 में 15 में आपका आंसर जाने वाला है, 15 में आपका आंसर जाएगा सेकेंडरी जाइलम, ओके। तो ये अच्छे से रीड कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉर्म दोस गिवन बिलो इन द पीरियड ऑफ मेंटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे चार निम्न में से कौन सी अवधि मेंटल के संकरण में उपयोगी थी, ये एनसीईआरटी की लाइंस है, वहाँ से आप अच्छे से इसको रीड कर लें। तो सबको पता होगा कि इसका आंसर क्या जाने वाला है, तो जल्दी से सोल्व कीजिए। 16 में आंसर इसका जाएगा, वो आपका डेट है वो 1856 से 63, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, तो 17वां क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा विकल्प अग्नाशय रसों के संयोजन को सुरक्षित रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने फिर से रखे गए हैं, तो चारों ऑप्शंस को आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, 17वें क्वेश्चन में आपका आंसर क्या जाने वाला है, जल्दी से कीजिए। 17 में आपका आंसर है वो जाएगा, 17 में आंसर आपका थर्ड जाएगा, ठीक है। तो थर्ड आंसर यहाँ पे आपका है, ओके। अब बात करते हैं हम 18वें क्वेश्चन की, 18 नारियल के खाने का वाला भाग रुकांत प्रकृति में क्या है। तो यहाँ पे फिर आपके पास चार ऑप्शन रखे गए हैं, यहाँ इधर देख लें। तो इसका आंसर क्या जाने वाला है, जल्दी से कीजिए। 18वें में आंसर क्या जाएगा, ये आपका एनसीईआरटी से है, 18 में आपका आंसर जाने वाला है वो सेकंड जाने वाला है, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म है, ठीक है, और हिंदी में इधर देख सकते हो एंडोस्पर्म मतलब भ्रूणपोष। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी द मोस्ट एबिलिट ऑफ इन एनिमल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, निम्न में से कौन सा आरएनए प्राणी कोशिका में प्रचुरता में होना चाहिए, तो कौन सा होना चाहिए, तो वो सबको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो काम में आता है वही इसका काम होना चाहिए। तो 19 में आपका जो आंसर जाने वाला है वो आरएनए जाएगा, क्यों, क्योंकि अब सबको पता है कि आरएनए जो है राइबोसोम्स, और वहाँ पे आरएनए की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, ओके। अब हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन की, तो 20 में क्या आंसर जाएगा, यकृत निवाहिका सीरा द्वारा, तो इधर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी में आपको इधर ऑप्शंस मिल जाएंगे, ओके। तो यकृत निवाहिका द्वारा यकृत रुधिर कहाँ से आता है, तो ये चार ऑप्शंस आपके पास फिर से हैं, तो 20वें आंसर जाएगा, 20 का आंसर जाने वाला है थर्ड हाथ से, ओके। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड,
ठीक है, यहाँ पे आपकी आंसर शीट है, जिसको भी समझ में नहीं आया वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो डियर आज इस पेपर का इतना ही सोल्व कराएंगे। जी 20 क्वेश्चन है, कितना सही है कमेंट बॉक्स में सही सही बताना। ठीक है, और कैसा आपका पेपर रहा ये भी हमको बताना कि पेपर हमने कैसा बनाया है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी से जल्दी और क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लिंक दिया है ग्रुप्स का, उसमें ज्वाइन हो जाइए ताकि वहाँ की एम्स के जितना भी रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक आपको मिलते हैं। थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिन स्टूडेंट्स ने वो पेपर सोल्व नहीं किया वो जल्दी से आके सोल्व कर ले।